आप सोचिए कि जो थरथराहट
कपकपाहट लर्जा मतलब जल्दी के बदन पर हावी हुआ उसमें हल्का सरद के बराबर शायद आपके मुंडी की दर्द आता है इससे बढ़कर कोई बदलाव हो वर्तमान की रसूल अल्लाह उसको तो नफसत है तो भले ही रसूल की जिंदगी बेहतरीन नमूना है नमाज पढ़िए रोजा रखिए आपको मजबूर कर अदान हुई अब चलिए धक्का लगाकर धकेल कर नमाज पढ़िए रमजान आए गर्मी है रोजा रखिए पुनः इबादत कीजिए लेकिन क्या वजह है मुहद्दत अहले बैत में कि अंदर से आपके दिल की पुकार है शुक्र कीजिए खुदा का शुक्र कीजिए रसूल खुदा का शुक्र कीजिए पंजरा का कि आपको इस वाजिब शर्ती के लिए जो वाजिब अपनी भी है वाजिब शर्ती भी है वाजिब अखलाकी भी है यदि आपकी रूह की जड़ रसूल खुदा के वजूद से पैवस्त खुदा उस पैर को आप आदिश चरण की गजा नहीं बनाएगा दबर की ज्यादा अमीर होगी जो बोला चरण की ज्यादा जिन पैरों पर गर्म बैठी हो तो फिर मुझे ये बताइए आप कि वो रूह जिसने चाहना वसूली की मवद्दत पूरी तरह से जब पकड़ चुकी है और वो रूह जिसने दुश्मनों का कवर वो है तो कैसे जाएगी यहां तक आपको बात को समझा और सुना अब चलिए इमामत की तरफ इमामत को जब हमारा नौजवान तबका समझने की कोशिश करता है तो कभी कभी अपनी अक्ल से समझने की कोशिश करता है कि देखिए सैयद शोहरा ने यह किया बैर का मुतालबा हुआ वो हुआ इमाम हसन ने यह काम किया क्योंकि वो साहब खुल के हराम काम करते थे वो छुप के करते थे और ये सिलसिला था तो मोहम्मद ये था तो ये सब बातें अपनी जगह पर सही है किसी हद तक बुनियाद क्या है इन तमाम बातों की बुनियाद ये है कि यहूद और यहूदा इसको समझिए कि हमने जिनको आयमा बनाया है हमने जिनको आयमा बनाया है क्योंकि बनाए गए हमारे हिम चलते भी हमारे अमर के मुताबिक है जो तुम्हारे बनाए हुए हिम वो तुमसे मशवरा भी देंगे तुम्हारा ख्याल भी रखेंगे तुम्हारी आखिर पर अपनी आखिर को कभी जाहिर करेंगे कभी मखलूक लेकिन जो हमारा बनाया हुआ इमाम होता है ना देखो तुम्हारी आखिर को उसकी सीरत अगर समझ में ना आए उसका कोई काम समझ में ना आए तो परेशान मत होना उस पर इतराज करने का सोचना भी नहीं क्योंकि ये हमारे अम्र के जरिए हिदायत के बनाए इसका ताल्लुक आलम गैब से है गैब का मतलब यह कि छुपी हुई चीज जो एक छुपा हुआ है वो इमाम तुमको दिखाएगा कैसे अब चलिए रिवायत की तरफ और सलमान इमाम ये गुफ्तगू किस हिस्से पर है आज की और तमाम जो शबे हैं अहलेबैत पर मैं अहलेबैत समझिए क्या है और फिर क्या करना चाहते हैं हमारे साथ और खुद इनके साथ क्या हुआ कहा कि गैबत उबारी और गैबत शेख दूसरी दो किताबें हैं ये जो गैबत उबरा पर लिखी गई हसन के लिए मैं उन नौजवान बच्चों से कह रहा हूं ये तहनी वो तहनी हालत हाजरा पर बात करें हालत गैर हाजरा पर बात करें हालत जाहिरा हालत गायबा सियासत ये सब चीजें आज तक कभी आपने कहा किसी से ये बताइए गैबत कुबरा में हमारे मासूमी ने हमारे लिए नुस्खा क्या लिखा क्या लिखा है ये जो हालात की अंबाज और हालात की लहरें आ रही है किसी शहर में 50 साल पहले किसी सियासी जमात का तोती बोलता था आज को उसका नाम भी नहीं देता आज किसी और सियासी जमात का तोती बोलता है आपको सियासत से क्या काम आप अपने मासूमी के फरामी को देखकर अपनी जिंदगी के लाभों को मुयन कीजिए तो ये क्यों नहीं कहता कि गैबत कुबरा ने छठे इमाम ने क्या फरमाया पांचवें इमाम ने क्या कहा जनाब अमीर ने क्या कहा किस तरह से रहना है किस कीचड़ में कूदना है किस कीचड़ से दूर रहना है किस तरह से जिंदगी गुजारनी है यह दूसरा ध्यान रखना हमारे इमाम जिनको हमने इमाम बनाया हमारे अमर के मुताबिक चलते हैं
इमाम वो भैया जब तक तुम बिजली जा रहे पैर कर रहे एक अब सिलसिला खत्म होगा तो तक मुझे मिले अगर जे हक है इमाम का मिंबर रसूल लेकिन ये सोच देखिए आप कि अहले बैत खलीफा के घर के घेरा डाल कर बैठ ले और जनाब मैं भी मशवरा दे दें देखो ये काम करो जान बचेगी ये काम करो तुम्हारी हुकूमत ज्यादा चलेगी ये काम करो खुदूस तहर पाकिस्तान को देखिए तवज्जो कीजिएगा अगर दुश्मन भी सालिम बनकर दस्त गिदाई दराज करके अदीब नबी तालीम के सामने आए तो जितना भी अदी का इख्तलाफ हो मौला ए कायनात उसकी मदद भी करते हैं और उसको जिंदगी के रास्तों पर तायुन भी करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि अदीब नबी तालीम ने अपने इख्तलाफात को भुला दिया। इसका मतलब यह कि जिस समय से वो है ना उस समय से ये बंदा भी है उसका सूरज चमकता है हिंदू के लिए भी ईसाई के लिए भी मुस्लिम के लिए भी गैर मुस्लिम के लिए भी अली नबी तालीम उसी की तस्वीर है सबको रिस्क बांटता है तुझे मशवरा चाहिए देंगे तुझे औलाद चाहिए देंगे तुझे रिस्क और गुस्सा चाहिए देंगे तू ईसाई है तू हिंदू है तू सिख है आया तो हमारे पास है ना बंदी के अली नबी तालीम को समझिए कहा कि देखो नजर अली वसीयत हो मेरा सवाल आसमान से رسول خدا کے پاس وصیت نازل ہوئی ما نزلت من السماء الا الوصیت کتاب مسجل رسول خدا کے پاس ایک قرآن نازل ہوا آسمان سے اور دوسرے وصیت نازل ہوئی وصیت کا مطلب کیا ہے عجیب دلچسپ گفتگو بھی ہے اور عجیب سمجھنے والی گفتگو بھی ہے اور بہت گہری گفتگو بھی ہے روایات میں پہنچ رہی ہے کیا مطلب وصیت کون کرتا ہے وصیت وہ کرتا ہے कि जो अपने मान के बारे में वसीयत करे अपनी जान के बारे में वसीयत करे घर अमलात मान दौलत औलाद के बारे में वसीयत करे यानी जब आप वसीयत कर रहे हैं अगर कोई वसीयत कर रहा है तो जरूरी है कि वसीयत करने वाली जिस चीज के बारे में वसीयत की जा रही है उसका आपसे ताल्लुक हो अगर ताल्लुक नहीं है तो वसीयत आपकी नहीं है आप क्या मेरे मरने के बाद पड़ोसी का मकान बेच के वसीयत में लगा देते आपको लेकिन अगर आप कहेंगे पड़ोसी का मकान आप इतने तो बुजुर्ग हो शेरुसी हो शेरुबी हो अल्लामा हिंदी हो कि पड़ोसी का मकान बेचकर मेरी तरफ से मस्जिद लगा देना तो ये जुमला कश करेगा कि है तो बड़ा है पड़ोसी का मकान लेकिन हकीकत में मालिक शेरुबी है तो जो बड़ा इंसान है वसीयत कर नहीं सकता तो वसीयत नाजिल हुई परवरदिगार आलम की तरफ से रसूल खुदा एक कुरान नाजिल हुआ दूसरी वसीयत नाजिल हुई और उस पर इसना अशरा 12 फसल 12 मोहरे थी मखतूमत 12 मोहरे थी रसूल खुदा जब गए दुनिया से तो उस वसीयत को देकर गया मौला कायनात को फसल खातमा मौला को उस मोहर को तोड़ा खोला पढ़ा जो अमल करने में किया मौला कायनात क्या इन्होंने हसन को वसीयत दी इन्होंने हसन को उस मोहर को तोड़ा खोला मुतारा किया पमजा और वो जो काम करना था किया अब कौन जा चुका है इमाम हसन कितनी मोहरें टूट चुकी है दो बाकी कितनी है दस इसी तरह से एक के बाद एक इमाम और उसके बाद आपके आखिरी और हमारे आखिरी मौला और आका के पास वसीयत आई मौला ने तोड़ा जो काम करना था किया यहां पर एक मसला है हमारे तीन इमाम 6 साल और 2 इमाम 8 साल के बाद से इमाम बने एक इमाम अली तकी अलैहिस्सलाम दूसरे इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम और तीसरे हजरत साहिब छुटाई बढ़ाई वहां पर अहम है जहां इमाम इंसानों का बनाया हुआ हो लेकिन अगर खुदा का बनाया हुआ इमाम हो तो झूले में भी अगर हो तो गुफ्तगू करता है मदीना तो सिर्फ खुदा अभी पहले हयात है सही शोधा 5 वर्ष कितने वर्ष 5 वर्ष इतना मौसम से बैठे करवाए वल्लाह है तो खुदा की कसम एक दिन आएगा कि जब मैया के अब मुदस कहते नहीं
मधु बुद्धिया के बुद्धे और बुद्धिया लोग पद किरदार लोग मेरे कब किसी से नहीं करते बुलाने को साधु सुना ये पांच बरस का बच्चा मधु बुद्धिया इसके नजर की हुकूमत में मधु जैसे बाबा अली मुर्तुजा और फातिमा जहरा बड़ी हाशिम ये रसूल की मत या रसूल अल्लाह मुस्लिम ने जिक्र किया था अल्लाह तआला से तकरंद तोगा को बनी हुई आला तक बनी हुई है कि तोगा ताली लो शयाती आबादी से अधिक मेरे तक पर खबर हिम्मत बांधने के लिए इकट्ठे हुए हैं यार सुन रहे हैं ये कैसे कह रहा है मुझे कहा कि तुम्हें नहीं पता वो मुझसे रसूल उसी में अलग से रहा है कि वो हुसैन का है उनसे है हमको इन होता नहीं हो रहा होता है जो हो चुका है जो होगा मुझे बात बताइए अगर ऐसे बच्चे को बता दिया जाए कि 58 बरस की उम्र में ऐसा एक काम होगा बच्चा है 5 बरस का इसकी नींद उड़ जाएगी घर नहीं सकेगा पी नहीं सकेगा जिंदगी अजीब अफरा तफरी का शिकार हो जाएगी अबतरी का शिकार हो जाएगी तो अब आप समझ में आया खुदा जिसको इमाम बनाता है इतने लतूफी अता करता है उसको शऊर और इल्म अगर देता है तो रूह भी इतनी बुलंद देता है कि हुसैन 6 साल के हैं अपने कत्ल के वाकयात पता है लेकिन जाहिर ही नहीं हुआ कि शहजादे को अपने बाप जानता है आवाज बुलंद करा शहजादे का नाम है जुमला कह दू रिवायत कह दू इज्जत तकर रखता है जो जन्नत से जन्नत कयामत में रसूल का ये अच्छा हमने नहीं कि कंसुल अब्बास में तारीख मदीना दमिश्क में इब्न असाकिर ने ये हदीस है फिर अब जन्नत में ऐसे जन्नत पहुंच जाती है आला फिर जन्नत रसूल खुदा ने फरमाया कि जन्नत कहीं पकड़ेगा बाहर तक अंत जैद बेर रुख ने भी दर्ज करते पकड़ेगा तेरा पता था कि तू मुझे सजाएगा अपने सुतूरों में से सुतून से अपने रुख अपने सुतूरों में से सुतून से तू मुझे सजाएगा तो किसके रंगे तूने मुझे सजाया जवाब आएगा अलम मुसज्जिद का मिन हसन व हुसैन मैंने हसन हुसैन तुझ पर भेज कर तुझे नहीं सजाया भाई अज़ीज़ाने किराम हदीस की तफसीर करने दीजिए 2-4 जुमलों में जिस जन्नत में आदम से लेकर मूसा है ईसा है औलादे इब्राहिम है उस जन्नत को सजाया जा रहा है हसन और हुसैन के जरिए यानी क्यों हसन हुसैन के जरिए सजाया जा रहा है जन्नत जन्नत के सरदार है इस वजह से कि सैयदा रसूल खुदा अली मुर्तजा इन तीनों का नूर इन दो शहजादों में जमा हुआ है जब जन्नत को सजाया जा रहा है इन दो शहजादों के जरिए तो आप अपने दिल की कदर कीमत को समझिए आपके दिल में अगर हसन हुसैन की मोहब्बत है तो जन्नत यहाँ पर मिल गई है जिस नूर के जरिए खुदा जन्नत को सजाएगा आप अपने दिल में उस मोहब्बत को लेकर बैठे हैं तब भी उस दिल से गाफिल हैं अब अगर रिवायत को समझा जाए इतना मोमिन इधर कसरत इस्तिग़फ़ार हूँ मोमिन जब कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करता है रुफ़ियत सहीफ़तुहु उसके सहीफे अमल को नामे अमल को आसमानों की तरफ ले जाया जाता है वहिया या तला तला अलाओ और उसका नामे अमल चमक रहा होता है ये इस्तिग़फ़ार में क्या ताकत है असल में मसला ये है कि इस्तिग़फ़ार उस दिल ने की है कि जिस दिल में हसन हुसैन की मोहब्बत है ये इस्तिग़फ़ार किसी रट्टू तोते की इस्तिग़फ़ार नहीं है ये उस इस्तिग़फ़ार की बुनियाद मोहब्बत हसन और हुसैन है ये मोहब्बत जहां भी हो गैर के पर्दों को चीर कर इबादतों को आलम गैब तक लेकर जाती है अरे जिसके कब्र की पट्टी छठे माफ फरमा दे जो हुसैन की कब्र की पट्टी पर नमाज में सजदा करेगा वो आलम गैब के सात पर्दे चीर कर रख देगी तो ये बताइए कि जिसकी मोहब्बत दिल में हो और उसके बाद फिर आप अमल करें तो आप अमल कर जाए बात करूं नमाज की बात करूं रोजे की बात करूं
जनाब की बात करूं, हज की बात करूं, ये करूं बात ये सब करूं की बात करूं। अजीजों हज चक्कर काटने का नाम नहीं है, ये हज तुम्हारा बदमाश कैसे करेगा उन्होंने कहा। जरा सी कही आई ना तो हज नमाज़ में लगेगा आदत है, अब तक चल नहीं पाएगा। यानी हम छोड़ रहे थे कि जो हुआ बस ठीक है, चलिए आगे बढ़ी जरा मैदान में, वो भी सही ठीक है सब है, बस सवाल उनकी बात है। स्टेटस को वाजे कीजिए, हर मां के सामने अपने स्टेटस को वाजे कीजिए, मौके पर अमली को वाजे कीजिए कि आयमा की मोहब्बत के सिलसिले में आपका अकीदा क्या है, आयमा के दुश्मनों के सिलसिले में आपका अकीदा क्या है। क्योंकि यही वो दो पर है कि जिनके जरिए आपकी इबादत आलम गैर तक जाएंगी। खुदा पर वसीयत जो आई तो आसमान से लगी, एक पुराना है और एक वसीयत गुस्तु दोबारा नहीं मिले जा रहा हूँ, इस जगह से रोकी हमारे पशुओं के जरिए कारोबार दुनिया चलाने की, ये परवरदिगार आलम का इल्म तुम पर बैठा, ये रहमत इलाही है, ये शुक्र इलाही है, ये हकीकत इलाही है, ये हिम्मत इलाही है, ये परवरदिगार की जलाल और जमाल का मसल बैठा है। अब ये कहे लगा तुम पे कि नहीं हुजूर ठीक है, बहाल हमारी भी राय है, आपकी भी राय अच्छा देख, ये अगर अजीब ने भी तालिब ने काम किया तो ये शिकस्त है हिल्म इलाही की। अजीब ने भी तालिब की अपनी है ही नहीं, जो कुछ है इनमें लगा। इसीलिए जब खत देकर भेजा था दमिश बैठे मस्जिद खिलाफत में, खत लिखा कितना लंबा चौड़ा, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि हुजूर आप भी हमारे रब भी हमारे मुसलमानों के मिलकर कुछ मदद करें, सब सिलसिला नहीं है हिफाजत में, पहले को अपने दस्तरखान पर बिठा दे हौजे अलिया में, दीदी मदारिस में हर दर्श देने और देने वाले के बखावत मुहैया रहे, पास किताबों में जाकर आप बैठ जाए, आपको लाल रंग की फांसी आती है, आपको समझ में नहीं आएगा वो क्या रहा। तो कहा कि देखो खैयुर बैन सिद्ध मुसिया और हर भी पूछ लिया वही तख्तार हर फम बिजल है, बस सलाम न शुरू में सलाम किया जिसके लिए खत जा रहा है, न आखिर में उसको सलाम किया। अब इसके बाद भी कोई चीज क्या क्या करे, कहा कि देखो दो रास्ते रखो उसके सामने जाकर, या जिल्लत कर देने वाली बैत करे हमारी, या अली जो अखलाके इस्लामी तकल्लुफ जरम, ये जुमले कयामत तक बाकी रहे, ये जुमलों के जरिए हमारे मर्द मुकाबली शख्सियत को समझो। खैयो बैन सिद्द मुखसिया और हर बिन मुजदिया, या तो उससे कहो कि जिल्लत के साथ बैत कर ले मेरी, या कहो उस जंग के लिए तैयार हो जाए कि उसको उसके शहर से बाहर निकाल कर चुप करूंगा। अच्छा तुम तो मुझे कौन कह रहा है, अभी कल परसों तरसों तब से बैठा कुछ नहीं पता निकल तो वो क्या है, यार थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अगर इंतजार करूं तो वसीयत का क्या करूं जो रसूल खुदा ने मुझे दोबारा से इस रिवायत पर वसीयत इंसान अपने माल में करता है। वसीयत आई रसूल खुदा के पास, किसकी तरफ से आई, खुदा की तरफ से, यानी हबीब ये जो इमामत का सिलसिला है ना चला तुम्हारी नस्ल से है,
लेकिन विज्ञान जो खुदा की है तो हमारा इख्तियार नहीं है उसमें कुछ. अब जो इमामत से टकराएगा वो खुदा से टकराएगा, जो इमामत को ठुकराएगा वो तौहीद को ठुकराएगा. क्योंकि वसीयत की जाती है अपने बारे में, परवरदिगार वसीयत भेज रहा है मोहम्मद देकर जाओ अपने बाद आने वाले इमाम को. ये तसलसुल इमामत हमारी मिल्कियत है, तुम्हारी मिल्कियत नहीं है. जब भी तो हमने आसमान से वसीयत को नाजिल किया. Sevgili şunları doğru asıl kavat adı koymuş. Bana bir kum okul ve katil katıldı. Katıl karım, katıl hoca, ketan karım. Akhliç, İddafarın bir ashabı, bu şu lokumu bu deyken anne saat dekdu. Bu da şehit oldu. İddaha şaha ve nadadahum iddafarmak. Utku şehadet dahi mi deyin? Fakat tumhara insan. Sevgili şunları yedi ikram ediyor. अब अगर आप तहदीद करते हैं कि बहन बनी थी बनी क्यों बनी, भाई वो तो उस तरह चल नहीं रही. मैं तो देख लूँ कि इमामत नाम है खुदा पर तबारक ताला की वसीयत को इजरा करने का. अगर इमामत के किसी दौर को, अगर इमामत के किसी जमाने को, अगर असर इमामत के सिलसिले में आपका तजिया और तहदीद कहीं पर आकर अटक जाए, कहीं पर आकर रुक जाए, अब फिर ये इमाम ने क्यों किया. अगर इमाम आपकी या उस जमाने के लोगों के अक्ल के मुताबिक चल रहे हैं, तो सवाल जायज था. इमाम इंसानों के दरमियान रह रहा होता है, इंसानों की तरह नहीं होता. यह अमरेला ही तो चल रहा है. आपकी तहरीर अगर अटक जाए तो हक है अटक जाने का, क्योंकि आपके स्थिति के मुताबिक इमाम चल नहीं रहा. वो आला नमन व्यू के हुक्म के मुताबिक चल रहा है. क्यों गए, किसको जरूरत खाने के लिए अंगूर क्यों खाए, इमाम जवाब ने ये काम क्यों किया, इमाम रजा को नहीं पता था, इमाम मूसा काजू के खजूर क्यों खाए, जहर आदम थे. भाई सिलसिला तुम्हारा है नहीं, न तुम तीन में न तेरह में. एक तरफ परवरदिगार मुताल है, दूसरी तरफ दूसरा तो जाहिर है. एक तरफ परवरदिगार मुताल है, दूसरी तरफ दूसरा दिन में अली है. अगर आपसे कोई आपकी राय पूछे तो तब बताइएगा. नौजवान बच्चे को खुदकुशी की इमाम दिन. अच्छा खुदकुशी किसे कहते हैं, आप अपनी मर्जी से अपनी जान दे दीजिए. अच्छा फर्ज किया खान को बता दो नौजवान बिल्ला थोड़ी देर के लिए नौजवान बच्चों के सवाल जब आकर मान दिया जाए कि इमाम दिन नाम जुमिल्ला खुदकुशी की, फिर मालूम है कि तो हराम कर दी तो गलत चीज है. अच्छा इमाम अगर खुदा की मर्जी की खातिर आगे बढ़ो कर जहर आप लंबू खा ले तो आपको तकलीफ होती है और आप काफी तो मजबूत समझते हैं. सुखरा जहर का प्याला पीते तो 2000 साल से बात हो रही है. कोई नहीं कहता खुदकुशी, कोई नहीं कहता गलत क्यों किया. वो फौजी जवान फिर बालू की सुरंग पर चलता हुआ जाता है, पीछे वालों के रास्ते को खोलता है. अगर बालू की सुरंग फट जाए अपने इंतखाब से आगे बढ़ा, पीछे वालों के रास्ते को खोलने के लिए कोई नहीं कहता खुदकुशी की है, कोई मजहबत नहीं कहता. जब बात इमाम पर आए और अमर इमाम पर खुदा से ताल्लुक पर सारे जहन बदमख्तारी के साथ चलने लगते हैं. अब आए इमाम हुसैन के पास, इमाम हुसैन के साथ ये हुक्म दिया गया, फिर आया वसीयत किसके पास, वसीयत आई इमाम सज्जद के पास. क्या वसीयत आई, अंतिम वसीयत सर झुकाओ खामोश हो जाओ. इमाम ने यही काम किया 35 बरस इमाम के. और अगर हम इमामत को समझे कि इमाम ने फिर क्या जिम्मेदारी अंजाम दी, एक बच्चे ने मुझसे कहा बोला था फिर क्या इंपॉर्टेंस रही इमामत की. इमाम 35 साल रहे पहुंचने में क्या काम किया. भाई फिर बार बार इस बात को समझ लीजिए, अगर आपकी नजरों से यह हदीस वसीयत गुम हो गई, अगर आपने इमामत को अम्र इलाही से जुदा कर लिया, तो याद रखिए सवाल आपके जहन में आएंगे भाई देखिए सुन हो रहा था तो इमाम ने कुछ क्यों नहीं किया, ये हो रहा था इमाम ने वो काम क्यों नहीं किया, फला काम हो रहा था इमाम ने ये काम क्यों नहीं किया, हाजी गलत हज कर रहे थे उस वक्त इमाम ने हज सही क्यों नहीं सिखाया. भाई मेरा सवाल यह है कि जब फिरौन कौम मूसा की बच्चों को मार रहा था खुदा क्या कर रहा था. ये सब देखिए ना, जब नबी करीम के अस्हाब पर और नबी करीम पर जुल्म के पहाड़ फोड़े जा रहे थे तो खुदा उस वक्त क्या कर रहा था. जब मदीने में मजीद से हमला हुआ
یزید کے زمانے میں تو خدا اس وقت کیا کرتا تھا؟ جب بنو عباس اور بنو امیہ ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے خدا اس وقت کیا کرتا تھا؟ تو اس وقت خدا کر کیا رہا تھا؟ خدا جو اس وقت کر رہا تھا نا وہ امام اس وقت کر رہے تھے. خدا کے ساتھ مسئلے کو سمجھیے کہ توحید کی بنیاد کیا ہے. ایک الگ ٹاپک مجھے اس طرف نہیں جانا. جب امام سجاد کے پاس وصیت آئی اس میں لکھا ہوا اب پھر وسمن خاموش ہو جاؤ اور اپنے سر کو جھکا. بڑی عجیب بات ہے, بہت سادی بات ہے اور ذرا پیچیدہ بات بھی ہے. جب یہ وصیت امام باقر کے پاس گئی تو امام نے وصیت کو توڑا, اس موڑ کو توڑا, اس میں لکھا ہوا تھا انفسر کتاب اللہ وصدق ما ولا تخش الا اللہ واستدعي الله. جملہ سنیے گا. محمد باقر علیہ السلام فرمایا اس وصیت میں لکھا ہے کہ دیکھو اپنے باپ کی تصدیق کرو. امام باقر سے کہا جائے اپنے باپ کی تصدیق کرو, یعنی کس کی تصدیق کرو؟ امام سجاد کی تصدیق کرو. فسر کتاب اللہ, قرآن کی تفسیر کرو. خدا کے علاوہ کسی سے مت ڈرو. اب میں ایک سوال کروں گا اس سلسلے میں, اگر امام باقر نے مہر کو توڑا اور اس نے لکھا ہوا یہ جملہ ہے کہ اپنے پدر گرامی کی تصدیق کرو, تو پدر گرامی کی زندگی تھی خاموشی کے ساتھ گزری, تو توجہ ہے کہ نہیں؟ پدر گرامی نے سر جھکا کر زندگی کو گزارا. امام باقر تصدیق کریں تو کیسے تصدیق کریں؟ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو بظاہر سمجھ میں بات آتی ہے وہ یہ کہ عمل اس طرح سے کرو کہ تمہارا عمل, اگر جو تم علم کو پھیلا رہے ہو, تم علوم آل محمد کو پھیلا رہے ہو, تم رسول خدا کے علوم کو پھیلا رہے ہو, تم حکمت اور علم الہی کو پھیلا رہے ہو, اس طرح سے پھیلاؤ کہ یہ تصدیق ہو تمہارے پدر گرامی کی. ورنہ امام سجاد نے تو زندگی بھر سکوت اختیار کیا, پھر امام باقر سے یہ کہنا نہیں چاہیے کہ بیٹھ کر درس و تدریس کرو. تصدیق اس وقت کی جاتی ہے کسی کی کہ یا تو کام اسی کی طرح ہو یا اس کے کام پر تصدیق کی جائے, صحا رکھا جائے, تصدیق کی جائے, ویریفیکیشن کی جائے. اگر آپ کے پدر گرامی جو زندگی بھر خاموش رہے, ویریفیکیشن آپ کریں عملی, تو آپ بھی خاموش رہیے. اور اگر آپ اپنی زبان سے کہیں کہ میرے بابا صحیح تھے, یعنی آپ یہ بتائیے کہ میرے بابا اپنے مقام پر صحیح تھے, میں اپنے مقام پر صحیح ہوں, ہم دونوں ایک ہی نور سے جڑے ہوئے ہیں, یہ سب کیجیے. امام سجاد کے حوالے سے امام سجاد کٹ لیجیے, امام سجاد کتنے بڑا سبب رہا ہے, کب سے امامت شروع ہوئی, یہ ہر بچے کو یاد ہوگا. 61 ہجری سے عصر عاشور سے امامت شروع ہوئی, ختم کب ہوئی؟ 95 ہجری. اب 60 لگا لیجیے محرم کے پہلے 10 دن تھے, تو 60 ہجری سے امامت جو شروع ہوئی پہلے ہجری پہ جا کے ختم ہوئی, اب 95 ہجری پہ, یعنی 35 برس امام سجاد نے امامت کی ذمہ داری سنبھالی. جب کربلا کا واقعہ ہوا کتنے برس کی عمر مبارک تھی آپ کی؟ 22-23 برس. روایت ملتی ہے مختلف کہ جب یہ لائن میں داخل ہوئے ہمارا کیا امام سجاد کے, تو ایک مضمون امام سجاد کو قتل کرنا چاہ رہا تھا, تو کسی نے کہا کہ اس بچے کو کیوں قتل کر رہے ہو, بہت ہی 22 سال کے اور یہ سب کے لوگ یہ بڑی عمر کے تھے, کہا بچے کو کیوں قتل کر رہے ہو. یہ روایت مختلف میں موجود ہوئی. 22 برس کے تھے اور 95 برس کے امام کی شہادت ہوئی. اچھا آپ مجھے آپ کے سوال کا جواب دیجیے, بلکہ سوچیے کہ امام ہدایت کرتا ہے, خوب توجہ کیجیے گا, 35 برس میں امام نے کون سے شاہکار خلق کیے, کتنے شاگرد تربیت کیے, کتنی کتابیں لوگوں کو دی, کتنی حدیثیں بتائی, میں گنوا تو آپ کی توجہ دیے صحیح میں سمجھا دیے. ہمارے بکارے کو بتلا خدا جان شاہ بازی رسالت حقوق دعائے ابو حمزہ سمجھ, یہ 5 چیزیں ہیں کہ جو امام سجاد کی طرح سے منور اور مقدس اثر نکل کر رہے ہیں. تمہارے بچے کے 35 برس امام رہے ہیں اور یہ 5 چیزیں آئیں. آج اگر کوئی پروفیسر 35 برس درس دے کسی یونیورسٹی میں, کسی جامعہ میں, تو اس کے 1000-2000 شاگرد ہوں گے, 50-60-70-100 کتابیں وہ لکھ دے گا. کوئی امام نے صرف 5 کتابیں لکھی؟ پہلی بات تو یہ کہ لکھی نہیں, امام بیان فرماتے تھے اصحاب نے لکھی. اور دوسری بات یہ کہ امام
لمبی تھوڑی تفصیل کے ساتھ بات نہیں کرتا. امام کا علم کا ترین علم کا اظہار کرتا ہے وہ بیشترین مقام آپ کی ذمہ داری نکالنا. تیسری چیز امام کو جو حکم تھا امام نے اس کے مطابق علم کو پھیلانا. شاگرد کتنے والے امام کے؟ 10-12 شاگرد. اور یہ بھی بات یہ ہے کہ ابو خالد کابلی امام کا شاگرد ہے, آیا امام کے پاس درس. اس زمانے میں مدینہ یونیورسٹی ہوتا تھا, جیسے آج کل آپ دیکھیں آکسفورڈ کیمبرج جو اسلامی دنیا میں جس کو ایک چاہیے ہوتا تھا, بڑے بڑے فقہا تھے اور رسول اللہ کی قبر تھی, اس لیے لوگ مدینے آتے تھے مقصد یہ لیے. ابو خالد کابلی آئے مدینے ایک مقصد کرنے کے لیے اور امام کے پاس آیا. پہلی ملاقات میں امام نے جو مخاطب کیا کہا یا کنکر. ابو خالد کابلی چوک پر کہا کہ خدا کی قسم اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر میرا یہ نام یا میری ماں کو بتایا مجھے. تو یہ انہوں نے کیوں کام کیا؟ لگتا یہ گویا کہ استاد کو طے کرے جلنا کس کے پاس کبھی پہلے طے کرے تجھے جلنا کس کے پاس درس دیا خالد کابلی پیسے لے جائیں مجھے اپنے گاؤں جانا ہے شہر جانا ہے. امام نے کہا کہ میں سمجھا ہوں میرے پاس تو نہیں, لیکن تم دلوں میں تمش سے کہ وہ پیسے والا شخص نہیں. وہ آ کر یہ کہنے کہ میری بیٹی پر جلد آ چکا ہے اور میری بیٹی جلد زدہ ہو چکی ہے, جو میری بیٹی کے سر سے جسم سے جلد کو نکال دے گا میں اس کو پیسے دوں گا, تو تم اس سے پیسے کی بات کرنا اور گھنٹے میں بیٹھ کر نہیں ذکر کرنا. نہیں کہا اس بڑی بیٹی کے اس کی لڑکی کے گھر کے پاس جانا اور کہنا یہ ادیب الحسین نے کہا کہ اس بچی کے جسم سے نکل جائے. تجھے یہ حکم دیا ہے کہ میرے صاحب کو برا کام نہ کر, اس
जमीन को बोला जो तुम खबीस हो रहा है बहुत ही बहुत मुक्त है आपके ऊपर आप उससे कहना मैं जाकर कहूँ कि तेरे मौला जाफर है साजिद अगर नहीं हुई करता हुआ होगा तो मुसीबत गर्दन काट देगा आपसे बोल सकता है कि मतलब मैं दुनिया में जाने पड़ता क्या था करता आया था पता लेने के लिए कि बहुत देखा ये जाकर जुमला के क्या कह दो ये मत कहना कि मुझसे मौला ने जुमला कहा कि तुझसे आगे बोलू बल्कि इतना मौला था तेरे मौला ने तुझे हुकुम दिया ये बड़ा धमकी है मेरे जुमला है आपने देखा है मदीना और मक्का तो पहाड़ों के अंदर गुजर रहा था एक बद्दू को लेकर अच्छा जज़ीरे अरब में यमन और इन इलाकों में बद्दू होते हैं इनके पास बड़े अजीब और गरीब उलूम होते हैं ये एक बात अलग तफसील है कि इनके पास क्या क्या उलूम होते हैं उसने देखा चेहरा कहा कि अलवज बजो बखूदी तेरा चेहरा बता रहा तू मरने जाता है अब तो क्या क्या चेक चेक अपनी ज्यादा अपने का जब मसूद पैसे ही हुए जैसा आपने बताया अगर घबरा हो
वही तकलीफ तुम्हारा दामा होगी। मसला ये कि जो भी आदत वजूद में हो रहा है इनकी इनके वजूद की छतरी से गुजर कर ही आता है। अब जब जाएंगे अब खाने तक काबू तो पहले पैसे दे लीजिए बाद में दुआ पढ़ी। ताकि दुआ पढ़ लूंगा पहले पैसे दे ताकि ये दो पैसे दुआ पढ़ी तो ये मसला हल हो गया। बादशाह रूम में खत लिखा है शाह मिर्ज़ा अब्दुल बारी को कि मैं हमला करने वाला हूं और इस्लाम को लेकर पुलिस रीड बना दूंगा। अब घबराया कहा कि खत भेजो मदीने सैयद सज्जाद के पास है तो दुश्मन लेकिन जानते हैं कि दादा का पोता है। कहा कि भाई कह दो जाकर कि ये हुआ है। इमाम ने खत लिखा और उसने ये जुमला लिखा कि इन अल्लाह जब सुनो खुदावंद तबारक वताला 360 दफा खुदा के पास एक तख्ती है वो इन अल्लाह जब सुनो की है सनासी व सिद्दीक बन रहा कुल दयों हर लम्हा पूरे दिन 360 मरतबा परवरदिगार इस तख्ती की जानिब देखता है और इसमें जिसको अजाब देना होता है जिसको छोड़ना होता है जो भी है खुदावंद तबारक वताला इनाम करता है। वही की जगह जुमदा और मुझे उम्मीद ये है कि खुदा तेरा काम है कैसर हूं वो 360 मरतबा से एक मरतबा में तमाम कर दे। कहा ये खत ले जाकर कैसर को भेज दे। खत आया अच्छा इसमें क्या लिखा हुआ था कि मैं फौज के साथ रहूंगा। इमाम क्या कह रहे हैं फौज की बात नहीं हो रही खुदा 360 मरतबा आलम गैब पे वो जिंदा और जावे लश्कर लेकर आ रहा है आप आलम गैब की बात कर रहे हैं रसूलुल्लाह। जब गया उसके पास उसने कहा कि ये खत जो आया है ये बैत नबूवत से आया है ये मशर के दरबार से नहीं आया है। अब आपकी समझ में आया जो मासूमीन आपसे कहकर गए इबादत में कसरत के साथ करो इस्तिग़फ़ार कसरत के साथ करो अगर मासूम की रिवायत है कि अगर अगर कब्र की वहशत से डरते हो कसरत से सबका दो कसरत से सबका दो तुम्हारा सबका क़यामत के दिन तुम्हारे लिए साहिबान बनेगा। मोमिन जब इस्तिग़फ़ार करता है तो इस्तिग़फ़ार उसकी आलम में बाधा में जाती है कुरानी मुसहफ़ की सूरत में। दवाने कसरत से पढ़ो अपनी जबान को रोको आंखों को रोको कान का ख्याल रखो अपने अमाल का ख्याल रखो। यानी क्या मतलब यानी तुम्हारी जात की बुनियाद तहारत पर कायम हो चुकी है। अब ये मजीद कुरानियों के गुस्से हम बता रहे हैं कि उस दुनिया में तुम जल्दी से हमारे साथ आ जाओ हमें वक्त न लगे गोया के तुम्हारी शफात कराने का। ये कई अहदीस मासूम ने फरमाया कई अहदीस मासूम ने फरमाया तो ये मासूम मुसलसल बता रहे सबका और अजीब मतलब है मोमिन का कि फरमाया कि देखो अब सभी अकवाल इंदरदा वाजिबात के बाद जो बेहतरीन अमल है खुदा की बारगाह में इदखाल सुरूर फी कल्ब मोमिन तफरुज जौहतुहु और तकशिफ कुर्बतुहु बेहतरीन अमल वाजिबात के बाद आपका रमजान वाजिब हो उसके बाद बेहतरीन अमल यह है कि किसी मोमिन के दिल में सुरूर और खुशी को दाखिल करो। कैसे या तो उसकी भूख मिटाओ या वो जिस कर्म में मुब्तला है उसको दूर करो ये अफजल तरीका बदल हमें कुछ नहीं। अच्छा गैर मुमिन के लिए भी है अच्छा जानवर के लिए है लेकिन अफजल तरीन नहीं है। अफजल तरीन क्या है मुमिन के लिए अच्छा कुत्ते को पानी पिलाइए गर्मी के मौसम में सवाब है मुसीबत टलती है कुत्ते को पानी पिलाइए बिल्ली को पानी पिलाइए मुसीबत टलती है। अफजल तरीन काम क्या है मुमिन के दिल में सुरूर को दाखिल करो किस तरह से उसकी भूख को मिटाओ या वो जिस कर्म के आलम में है उसके कर्म को दूर करो। अब यही से बात समझ में आती है कि हुजूर आप या हुसैन कर रहे हैं ये कबूल हो रहा है कि नहीं हो रहा ये तो कह सकता हूं या हुसैन सीने पर मातम करना हम पर तमाचे मारना तमा जंजीर ताजिया अलम जुलूम सुलझना
ये तबाह ये कबूल हो रहा है या नहीं हो रहा, ये कबूल कौन करेगा? शहजादी गोदे। इसके अलावा क्या है कि कबूल हो रहा है या नहीं हो रहा, ये सवाल किया कभी? इसकी अलामत ये है कि जब इंसान का रास्ता अहले बैत से बढ़ता है तो उसका दिल अहले बैत के चाहने वालों के लिए नरम होता है। अगर आपके मुआशरे में अहले बैत के चाहने वालों के लिए फलाही मंसूबे बन रहे थे, बेवड़ों की खबरगीरी हो रही है, यतीमों की खबरगीरी हो रही है, तो याद रखिए कि आपकी इज्तिमाई इबादतें कबूल हो रही हैं, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि आप अपने या हुसैन को आलम जैद में भेजे और मदरस सैयदा अपने मुहिबों की मोहब्बत आपके दिल में लड़ा। जो भी हो, नमाजी है, बेनमाजी है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, जाहिल है, आलिम है, किसी भी दिमाग में है, अगर साहिब ईमान है आपके दूसरी दिन तरफ उनके जज्बात है कि नहीं, अगर बढ़ रहे हैं तो समझ जाइए कि आपका या हुसैन कबूल हो रहा है। लेकिन अगर दिल उसी तरह से करप्ट है, उसी तरह से शकावत है, उसी तरह से दिल में संदिली है, तो याद रखिए ये आलम बाला में नहीं जाना, ये आलम गैब में नहीं जाना। सवाल इसका है लेकिन मरहला कबूलिए जो तासीर रखे अलामत उसकी है। ये मोमिन साहिब ईमान इदखाल सुरूर की कल्ब मोमिन, मोमिन के दिल पे सुरूर को दाखिल किया है। ये इमाम सज्जाद की किसी हद तक मैंने आपके सामने दो चार वाकया बयान फरमाए और अहदीस बखत हो रहा है और मैं मसाइल की तरफ आऊं। देखिए वाकया बड़ा अजीब है और हम जैसे लोग, हम जाती बात कर रहा हूं, हम जैसे लोग सर पर अलग होने का मतलब नहीं कि मैं खास आदमी हूँ, इस दिन थोड़ा सा कमरा है जिसमें बंद किया गया अलामत है कि बत्तीस ये साफ पढ़ेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो शेर उसी शेर को भी क्या होगा और हमारे बुजुर्ग बनामा बराजे के हमारे जिनकी कुछ हैसियत है ये हमारे निशान हजरत आदमी का उसको बिगला शिया थी 1895 में इंतकाल हो गया, यानी कितने साल पहले, कोई तकरीबन 140-130 साल पहले इंतकाल हो गया। बैठे रहते उनके शागिर्द शेख अली तहलानी सामरा का आपके नाम खुदा आपको ज्यादा किसी कर 11 मोहर्रम 12 मोहर्रम गोया कि एक दफा 35 मुदफी हुई महाराजे के घर 35 मुदफी होती, एक दफा जाहिर खुद आदिल खुद फकीर शेख अली तहलानी11 मोहर्रम के 12 मोहर्रम के मसाइल पड़े कि ज़ैनब कुबरा इब्न ज़ियाद के दरबार में दाखिल हुई और वो मेरा एक तो उसको बीजा मोहम्मद हसन शिराज़ी ने अपना रोज़ा उतारा और पटक दिया जमीन पर और वो पर तमाचे लगाए सीने पर मांगा करने लगा। शेख अली तहरानी ने वजीर जुमला आगे पढ़ना चाहा, कहा कि शेख रुक जा, कहा कि सरकार की मजलिस शुरू हुई है कैसे खत्म कर दूं, कहा पहले जुमले का हक अदा होने दे, जी भर के गिरिया करने दे, कहा हुजूर वसीम मसाइल पढ़ने की इजाजत दीजिए, कहा अब उसके बाद मसाइल रह गया है कि अली की गोद की वाली वारिस तकदीर साहिब इस्मत सैयदा इब्न ज़ियाद जैसे बकबक शाही के दरबार में दाखिल हो कि वो मलूक तख्त पर बैठा हो, फातिमा की बेटी के हाथों में रस्सियां बंधी हो और उसके बाद मसाइल की जगह कौन सी रही। सिर्फ फील में चली गई थी, एक दफा घबरा गया, कहा खुतबा कौन दे रहा है,
ये अली इब्न अबी तालिब के लहजे में खुतबा कौन दे रहा है? कहा ये अली की बेटी ज़ैनब है। कहा ज़ैनब उमर तो लाके दो वहां पर। कहा कि तुझे नहीं पता हुसैन खत्म हुए, हुसैन के भाई खत्म हुए, हुसैन की औलाद खत्म हुई। मैं कब खड़ा हुआ उबैदुल्लाह को मुखातब किया, लाके खुद पर अपने बैठा कर तुमने जवाब से जन्नत के सरदार से खुद से हाथ रख नहीं किए। कहा कब कर लो। एक दफा दरबार में जल्लाद आगे बढ़े तर्क करने के लिए, बनु अजद के 700 शमशीर सब वहां मौजूद थे। एक दफा तलवार सौंप कर आए, कहा कि हमारा सरदार है, कत्ल नहीं होने देंगे। बस आखिरी जुमला कहूं, अगर आए मजलूमी है मुख्तर सैयदा, गुलामों के लिए 700 शमशीर सब हैं, लेकिन फातिमा की बेटी की हिफाजत करनी वाला। Burada da bahsettiğim bu mertaba sallallahu aleyhi ve sellem.